हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आ जाइए सभी लोग, यह है क्लास आपकी बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की। बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम की, और अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर लिया है और आज हमारा लेक्चर होगा 6, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो जो पिछले क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके पिछले क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब पिछली क्लासेस को अगर फॉलो करना है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक सिग्नल सिस्टम का सिलेबस कम्प्लीट। चलिए अब देखिए, पिछली क्लास में हमने जो बताया था आपको, वो बेसिकली हमने लास्ट टॉपिक जो आपको बताया था, वो हमने बताया कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, और फंडामेंटल टाइम पीरियड जो होता है उसको बेसिकली हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो हम एक आपको फॉर्मूला बताए और एक तरीका बताए किस तरीके से हम कोई भी सिग्नल, जब दो या दो से अधिक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, अगर दो या दो से अधिक सिग्नल को ऐड किया जाता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं, ये मान के पीरियोडिक सिग्नल है एक, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, तो दो या दो से अधिक पीरियडिक सिग्नल को जब हम ऐड करते हैं तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो हमारा टोटल सिग्नल आया है वो भी हमारा पीरियडिक सिग्नल होगा या नहीं होगा। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमने आपको कंडीशन बताई है, क्या करते हैं, सिंपली हम इसका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे या हम इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालेंगे, और उस टाइम पीरियड का हम क्या कर देते हैं, हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। और रेशियो लेते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि हमारा जो रेशियो आया है उसका रेशियो लेते हैं, यानी कि तो वो रेशनल नंबर आना चाहिए। अगर रेशनल नंबर आया तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल ये वाला कैसा होता है, पीरियोडिक सिग्नल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने बताई है पिछले क्लास में, तो आप उसको पहले फॉलो कर लीजिए तभी इसको आप फॉलो करिएगा। चलिए फिर आइए आज हम लोग कुछ उसके क्वेश्चंस देखते हैं, और उन क्वेश्चंस के बाद फिर हम लोग अपना नया टॉपिक जो होगा उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर तो देखिए, क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें एक बार और देख लीजिए। अब रेशनल नंबर की बात करते हैं हमने, तो रेशनल नंबर आप जानते होंगे सभी लोग, ठीक है, ये तो आप 10th की बात है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं, तो जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें रेशनल नंबर, तो ले लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज करिए 4/2 है, ठीक है, इसको तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख गया। अब इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे 2/4 है तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। या 0.5 आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो 0.5 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 1/, ठीक है, इसको हम 1/2 कर सकते हैं या 1/ ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी नंबर होता है वो अगर हम लोग उसको पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख लें तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है, ये आपको पता होगा सभी चीज़ें। अब आपके कुछ नंबर हैं, जैसे सपोज करिए 1/3 है, ठीक है, तो ये भी पी वाई अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3333, तो आपको इस तरीके से फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि ये रेशनल नंबर है या आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो आप बता सकते हो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ऐसे ही एक नंबर होता है पाई, ठीक है, तो पाई आप बताइए क्या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो हमेशा याद रखना कि पाई हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कुछ पाई वाले टर्म आते हैं आपके क्वेश्चंस में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे √3 है, तो √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है, √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे सपोज करिए आपसे कहा जाए √4 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 है, और 2 को हम 1/2/1 भी लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हो गया, ठीक। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते हैं, √2 है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये रेशनल रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इस पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं,
उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कि उसमें हम आप बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और क्या उसमें पीरियडिक सिग्नल है या नहीं है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिखिए। अब जैसे क्वेश्चन है, मान लिया x of t sin 3 पाई टी प्लस के कॉस रूट 2 पाई टी, ठीक है। तो आप बताइए इसको क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया है ये। अब आपको ये बताना है कि इसका पीरियोडिक सिग्नल क्या है, यानी कि ये सिग्नल हमारा पीरियोडिक सिग्नल है या आपको बताना है ये नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक, ठीक है। तो आप ये बताएंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल हो या नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो, तो इसको बताने के लिए हम सबसे पहले क्या बताया हमने, आपकी तरीका हमने क्या बताया, सबसे पहले आप इसमें क्या करो, इसकी फ्रिक्वेंसी निकालो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा वन हमारा कितना है 3 पाई, और इसमें देखिए ओमेगा टू कितना है, इसको ओमेगा टू एज्यूम कर लीजिए, तो रूट 2 पाई इस तरीके से लिख सकते हो। अब जो फ्रिक्वेंसी हमने निकाली है उसका अगर हम रेशियो ले लेते हैं, तो मान लिया हमने रेशियो ले लिया ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, तो ये 3 पाई अपॉन रूट 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3 वाई रूट 2, ठीक है। तो जहाँ पे भी रूट 2 देखिए आ गया, रूट पे फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये हमारा कैसा है इरेशनल। और जब भी हमारा इरेशनल होता है तो सिग्नल हमारा कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो x ऑफ t हमारा सिग्नल क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, कमेंट करिए। अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप कमेंट करिए। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कोई भी सिग्नल आपका दिया जाए, आपसे पूछेगा कि हमारा पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, उसका रेशियो ले लेंगे, और रेशियो अगर रेशनल आया तो नॉन पीरियोडिक, अगर रेशनल नंबर आया तो वो पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिख लीजिए। जैसे सिग्नल है हमारे पास एक्स ऑफ टी साइन टू पाई टी ले लीजिए, साइन टू पाई टी माइनस के या कॉस फाइव प्लस ले लीजिए, प्लस कॉस टू पाई टी। तो आप बताइए इसमें हमारा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक है। तो सिंपली क्या करें, इसके ओमेगा वन निकालेंगे 2 पाई, और इसके ओमेगा टू हमारा कितना है 2 पाई। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इसका रेशियो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, तो ये हमारा क्या आ गया, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब 1 आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है, 1 है, कैसा है, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है कि नहीं। तो जब रेशनल नंबर है तो हमारा सिग्नल कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए सभी लोग बताइए। अच्छा, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप कमेंट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इससे और आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल है ओमेगा, एक सिग्नल मान लेते हैं, चलिए मानते हैं ये एक्स ऑफ टी, तीसरा क्वेश्चन है, साइन 22 पाई टी माइनस के क्या हम कह सकते हैं 7 पाई लिख लीजिए, चाहे साइन 7 पाई, ठीक है, और टी। तो आप बताइए रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी हमारा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल आएगा, ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड हमारा फिक्स होगा उसमें। तो अगर नॉन पीरियडिक होता है उसमें हम टाइम पीरियड नहीं निकालते हैं, ठीक। तो इतनी बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या चेक करेंगे, ओमेगा वन हमारा क्या है 22 पाई, ओमेगा टू क्या है हमारा 7 पाई, रेशियो ले लेंगे ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू, तो कितना आ जाएगा 22 पाई अपॉन 7 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, तो 22 अपॉन 7, तो ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो होगा तो हमारा सिग्नल
पीरियोडिक सिग्नल होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखो यहाँ से जब हमारा सिग्नल आ गया पीरियोडिक सिग्नल, यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है हमारा, टी नॉट हमने बताया आपको 2π/ω0, यही आप लोग पढ़े हो, यही हमने आपको बताया। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, है ना। तो ओमेगा नॉट कैसे निकलेगी, तो हमने आपको बताया कि ओमेगा नॉट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी सिग्नल दिया गया इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी का हम लेंगे क्या, एच सी एफ, क्या ले लेंगे, एच सी एफ ओमेगा वन और ओमेगा टू का एच सी एफ लेंगे। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए एच सी एफ क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा वन कितना है हमारा 22π और 7π, तो 22 और 7π का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा बताइए, आपको एलसीएम तो निकालना आता होगा, तो आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, पाई आ जाएगा। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो 2π/π, पाई से पाई कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 टाइम पीरियड होगा। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा जाए तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमारा निकल के आ गया। ठीक, तो पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसका हम टाइम पीरियड भी निकालते हैं, इतनी बात याद रखें। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। तो इस तरीके से कोई भी सिग्नल होता है हम उसे पहचान सकते हैं कि हमारा सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप कोई सिग्नल पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालिए और लिखिए हाफ वेव सिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। तो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसको करके आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बुक से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा पाएंगे, तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से करिए। यहाँ हम आपको कॉन्सेप्ट सारे बताएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते रहेंगे और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने बुक से करिए, किसी भी बुक से उठा के। ठीक है, अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप दोबारा फिर देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, और ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप समझना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकल पूरा पोर्शन है, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपका UPSC AE का एग्जाम आया है तो उसमें भी आपका सिग्नल सिस्टम होता है, तो उससे भी आप यहाँ से पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप हाफ वेव सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो याद रखेंगे हाफ वेव सिमेट्री जो होती है हमेशा ओनली पीरियोडिक सिग्नल की होती है। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब पीरियोडिक सिग्नल की आप हाफ वेव सिमेट्री अगर देखना है तो इसके लिए कंडीशन आप याद रखेंगे, क्या होती है हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन, याद रखिएगा क्या है कंडीशन। तो इसकी कंडीशन होती है x(t) इक्वल्स टू माइनस के x(t) प्लस माइनस के t0/2। ठीक है, तो हाफ वेव सिमेट्री के केस में हमेशा याद रखना कि जो टाइम की शिफ्टिंग होगी वो हमेशा t0/2 होगी, यानी कि हाफ होगी। ठीक है, तो ये हमारी देखिए टाइम शिफ्टिंग शो कर रहा है, टाइम शिफ्टिंग को, और टाइम शिफ्टिंग कितनी हो रही है हमारी, t0/2। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे जो माइनस शो कर रहा है ये हमारा क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। तो ये कंडीशन हमारी होती है किसकी, हाफ वेव सिमेट्री की, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेता है इसकी कंडीशन कि हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, तो ये कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है आपको समझा देते हैं। जैसे हाफ वेव सिमेट्री का क्वेश्चन अगर आएगा आपसे पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया जाएगा और वेव फॉर्म दे दिया जाता है कि आपको पहचानना है कि ये वेव फॉर्म हमारा हाफ वेव सिमेट्री का है या हाफ वेव सिमेट्री का नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे, चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर ये चीज़ और अच्छी होगी। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लेते हैं, एक मान लिया
एक सिग्नल हमने बनाया, ये सिग्नल है हमारा x of t, ठीक है। और इस तरीके से हम बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सिग्नल है, मान चले हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक सिग्नल है, तो ये हमने मान लिया कोई सिग्नल है हमारा, ठीक है, ऐसे। ठीक, इसका मान लेते हैं कोई मैग्नीट्यूड ए नोट है, ठीक है सबका। अब ये सिग्नल दिया गया है, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये सिग्नल जो दिया गया है ये हमारा हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है। इसका टाइम पीरियड हम मान लेते हैं यहाँ पे जीरो, और इसका मान लेते हैं टी नॉट बाई टू, ये टी, इस तरीके से इधर मान लेते हैं माइनस के टी नॉट, और ये हमारा क्या हो जाएगा टी नॉट बाई टू, ऐसे ही टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये सिग्नल, एक तो आप देखिए टाइम पीरियड हमेशा हाफ दिखेगा, हालांकि एक ही कंडीशन आप नहीं अप्लाई करेंगे, टी नॉट अगर हाफ दिख गया तो आप तुरंत कह दें कि हाफ वेव सिमेट्री है, तो वो आपका ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशन हमारी क्या है, तो हाफ वेव सिमेट्री चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, टू चेक, सबसे पहले x ऑफ t इक्वल टू हम जानते हैं माइनस के x ऑफ t प्लस माइनस टी नॉट बाई टू, ये हम लोग चेक करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब हमने टाइम शिफ्टिंग किया, तो इसमें टाइम शिफ्टिंग में कोई जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं, राइट शिफ्टिंग, कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने इसमें मान लिया माइनस एक्स ऑफ टी और माइनस के टी नॉट बाई टू, ये हमने शिफ्टिंग चेक कर ली माइनस यानी कि राइट शिफ्टिंग की। तो इस सिग्नल को हम अगर राइट शिफ्ट करेंगे, इस सिग्नल को हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो देखिए हमारा सिग्नल क्या बनेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार बना लेते हैं सिंपली, ये हमारा सिग्नल है मान लिया x ऑफ, तो ये हम मान लेते हैं x t माइनस टी नॉट बाई टू, ये हमने शिफ्ट किया टाइम सिग्नल को इस तरीके से, ये हम मान लेते हैं इस तरीके से बना लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो वेब फॉर्म बनाने में। ये आप इस तरीके से बना लीजिए जिससे कि वेब फॉर्म बनाते हुए आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका टाइम शिफ्ट करेंगे यानी कि इस सिग्नल को अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे T नॉट बाई टू से, यानी कि इस सिग्नल, ये वाला जो पोर्शन होगा वो हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो जब शिफ्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल क्या बनेगा इसका, देखिए ये सिग्नल हमारा इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, बताइए यही बनेगा, यही सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारा सिग्नल बनेगा क्योंकि ये टाइम शिफ्ट हो गया हमारा, इधर टाइम शिफ्ट करेंगे यानी कि ये जो वाला पोर्शन था ये वाला हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारा इस तरीके से बन गया। तो ये जो सिग्नल बना हमने टाइम शिफ्टिंग कर दी इसमें, ठीक है। अब देखिए इसी सिग्नल को अगर हम लोग क्या करें, एक कंडीशन और अप्लाई करते हैं, तो ये तो हमने टाइम शिफ्टिंग लगा लिया, अब सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। अब इसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड इसके शिफ्टिंग कर देते हैं, एम्पलीट्यूड रिवर्स कर देते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स करोगे तो ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। रिवर्सल में क्या करते हैं, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए तो ये टाइम प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप फॉलो कर लीजिए पहले, तभी आपको इस चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, कि रिवर्स कैसे करते हैं, टाइम शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अगर आप शिफ्टिंग और ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या है, इसको टाइम रिवर्सल, सॉरी एम्पलीट्यूड रिवर्स करेंगे इसका। तो एम्पलीट्यूड जब रिवर्स करेंगे तो सिंपली हमारा सिग्नल क्या बनेगा, यही सिग्नल बनेगा, देखिए ये, देखिए ये सिग्नल बन जाएगा और सिग्नल हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे चेक कर दिया माइनस के एक्स और टी माइनस टी नॉट बाई टू, ये हमने शिफ्ट किया, एम्पलीट्यूड रिवर्स किया, तो देखिए ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाएगा, ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव में था,
ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जा गया, ठीक है, इसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव चला गया, देखिए है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सिग्नल बन गया। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, यानी कि जो सिग्नल x ऑफ t है, जो सिग्नल x ऑफ t है अगर हम शिफ्टिंग और रिवर्सिबल करते हैं तो सिग्नल हमारा इक्वल आना चाहिए। तो देखिए ये सिग्नल और ये सिग्नल देखिए बराबर है कि नहीं, सेम दिख रहा है कि नहीं, तो देखिए सेम सिग्नल हमारा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल x ऑफ t इक्वल टू माइनस एक्स टी माइनस टी नॉट इक्वल है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं ग्राफ वन इसको मान लेते हैं, ग्राफ वन और ग्राफ टू इसको मान लेते हैं और ग्राफ थ्री इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ वन और ग्राफ थ्री जो है वो हमारा इक्वल है। बताइए जब थ्री और इक्वल है फर्स्ट से तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिग्नल कैसा है, हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल है, हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल, ठीक है। बताइए कंडीशन सेटिस्फाई है कंडीशन। तो इस तरीके से सिग्नल आपसे पूछा जाता है, कोई सिग्नल आपको दे देगा तो वहां से आपसे पूछेगा कि हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग करके देख लोगे। अब उस टाइम शिफ्टिंग आप चाहे लेफ्ट शिफ्टिंग करो चाहे राइट शिफ्टिंग करो फिर भी आपका बनेगा वही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिग्नल होगा, ये हमारा याद रखना ये हमारा इनफाइनाइट पीरियोडिक सिग्नल है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ प्लस इनफाइनाइट, माइनस से प्लस इनफाइनाइट ये सिग्नल है, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक सिग्नल है, याद रखना पीरियोडिक सिग्नल का कंडीशन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये सिग्नल जब पीरियोडिक सिग्नल है इनफाइनाइट है तो हम आगे शिफ्ट करें चाहे पीछे शिफ्ट करें, ठीक है, अगर हाफ वेव सिमेट्री होगा तो सिग्नल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिग्नल होता है हमारा हाफ वेव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं और देख लीजिए आप लोग, जैसे ये हमने बनाया एक सिग्नल है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक सिग्नल हम मान लेते हैं बना लेते हैं अपनी तरफ से, ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा x ऑफ t कोई सिग्नल है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका जीरो है टाइम पीरियड, इसका t नॉट बाई टू है, इसका यहाँ पे टाइम पीरियड हम मान लेते हैं t है, t नॉट है, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, एक मिनट, यहाँ पे टाइम पीरियड है हमारा t और यहाँ पे t नॉट बाई टू, ठीक। अब मान लेते हैं इस सिग्नल को अगर हम लोगों को क्या बनाना है, एक मिनट सही नहीं हुआ, अब क्या करते हैं सिंपली सिग्नल हम लोग वही कंडीशन अप्लाई करते हैं और वही कंडीशन हमारी क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे x ऑफ t माइनस x t माइनस t नॉट बाई टू। तो हमने क्या किया टाइम शिफ्टिंग पहले लगाएंगे, तो टाइम शिफ्टिंग करोगे तो ये वाला सिग्नल शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, आगे, ठीक। तो ये सिग्नल हमारा शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, मान लेते हैं हम इसको फिर से बनाते हैं तो कैसा बनेगा, इसको बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये बनाया हमने x ऑफ t माइनस t नॉट, इसको शिफ्ट किया, तो जब सिग्नल आप शिफ्ट करोगे तो सिग्नल हमारा क्या बनेगा, देखिए सिग्नल हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इसको सही बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन कहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा, हमारा आगे आ जाएगा यहाँ पे इस पोर्शन पे, देखिए तो भाई देखिए आगे वाला पोर्शन हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये टी टी मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो था ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, आ गया कि नहीं, ये वाला पोर्शन उस शिफ्ट होके यहाँ, क्योंकि टी नॉट बाई टू हम शिफ्ट कर रहे हैं सिग्नल, तो ये हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे और चेक करेंगे हमारा सिग्नल सही है या नहीं। अब इसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को हम बनाते हैं माइनस के टी माइनस टी नॉट बाई टू, ठीक है। ये हमारा क्या है, माइनस के एक्स
टी माइनस टी नॉट बाई टू। अब माइनस है तो रिवर्स करेंगे तो देखिए ये वाला मैग्नीट्यूड नेगेटिव है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमने क्या किया ये वाला हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, आप अपने हिसाब से अच्छे से बनाइएगा इसको, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला मैग्नीट्यूड हमारा ऊपर हो जाएगा एम्पलीट्यूड से, ठीक, ये वाला नीचे चला जाएगा। देखिए तो ये हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, इसको बना लीजिए अच्छे से, ये शिफ्ट होके ऐसे चला जाएगा, ये शिफ्ट होके ऐसे चला जाएगा और ये बनेगा ऐसे। ठीक, तो देखिए अब सिग्नल हमारा वाला ग्राफ अगर हम चेक करते हैं तो सिंपल हमारा सेम है कि नहीं, थर्ड जो ग्राफ है सेम आ रहा है, तो कह सकते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस के एक्स टी माइनस, तो ये हमारा सिग्नल देखिए बन गया। तो हम कह सकते हैं, ठीक, तो कोई भी सिग्नल अगर 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 सेम आपका नहीं आता है तो ये सिग्नल हमारा हाफ वेव सिमेट्री नहीं है। ठीक, तो ये कंडीशन आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, सिंपली जो कंडीशन हमने दी है उसी कंडीशन को आपको अप्लाई करके चेक करना है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अपने बुक से उठा के। ठीक है, तो चलिए ये हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन आपकी बहुत जगह पूछ लेता है डायरेक्ट कि डायरेक्ट इसकी हाफ वेव सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, चलिए अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए आप लोग, जैसे इसी में नोट करके लिखिएगा, लिखेंगे फॉर एनी हाफ वेव सिमेट्री, फॉर एनी हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल द एवरेज वैल्यू विल बी जीरो। ठीक है, तो याद रखना जो कोई भी हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, याद रखना कोई भी हाफ वेव सिमेट्री होगी उसका एवरेज वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो उसकी जीरो आएगी, ये याद रखना। ठीक है, नोट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई सिग्नल आपको दिया जाता है उसका आपसे पूछा जाता है कि उसका एरिया क्या होगा, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है तो आप कैसे करेंगे, तो उसका एक क्या होता है आप फॉर्मूला है उसको आप लिख लीजिए। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे एरिया एंड एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे नोट करके लिखिए इसमें। अब इसमें देखिए एरिया जब भी हम किसी सिग्नल, कोई सिग्नल आपको दे दिया जाता है उसमें आपसे पूछता है कि एरिया उसका क्या होगा, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एरिया देखिए कोई भी सिंपली याद रखेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सिग्नल हम मान लेते हैं कोई सिग्नल एक्स ऑफ टी, ठीक है, तो इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी सिग्नल आपका दिया जाए अगर उसको हम लोग क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो उसका हमारा एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी पहले से ही। ठीक है, तो एरिया किसी भी सिग्नल का निकालना हो तो उसको इंटीग्रेट सिंपली किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे सपोज करिए हमने सिग्नल लिया, कोई फिक्स टाइम पीरियड ले लिया कि इसको कुछ टाइम है टी वन से लेकर के टी टू तक हमारा फाइनाइट रेंज तक का आपका क्वेरी सिग्नल है, उसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे फॉर्मूला होगा, तो ये लिख लीजिए। ये तो हमने कोई मान लिया है पीरियड सिग्नल वो इनफाइनाइट तक मान लिया, प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी ओवर रेंज टी वन और टी नॉट। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी टी वन से लेकर के टी टू और एक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये सिंपली इसका एरिया निकल के आ जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं फॉर्मूला होते हैं।
तो यहाँ से एरिया हम निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, कोई सिग्नल आपका सपोज करिए दिया गया है, उसका अगर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो देखिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आप लिखिए एक बार नोट करके, एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल। अब सिग्नल जो आपका होता है वो पीरियोडिक सिग्नल या नॉन पीरियोडिक होगा, तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या होता है, लिख लीजिए एरिया ऑफ सिग्नल इक्वल टू 1/T0 इनफाइनाइट माइनस T0/T2 और एक्स ऑफ टी सिग्नल है dt। ठीक है, ये हमारा सिग्नल जो होता है वो फॉर पीरियोडिक सिग्नल के होता है, पीरियोडिक सिग्नल। ये आप नोट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है उसका आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो सिंपली उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/T0। T0 हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड हो, उसकी लिमिट हो जाएगी जहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट हुआ होगा, माइनस T0/2 से हम स्टार्ट हुआ मान लिया हमने, और T0/2 तो एक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू। अब सपोज करिए अगर हमारा सिग्नल नॉन पीरियोडिक है, तो नॉन पीरियोडिक का फॉर्मूला याद रख लिए, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट टी नॉट, लिमिट है हमारी टी नॉट से इनफाइनाइट और 1/T0 यहाँ से T0/2 माइनस के T0/2 एक्स ऑफ टी डी टी। तो ये हमारा सिग्नल किसके लिए है, फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नॉन पीरियोडिक के लिए कंडीशन हमारी ये होती है, और पीरियोडिक सिग्नल के लिए ये कंडीशन होती है जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी भी सिग्नल का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहते हैं, एक सेकेंड मेथड और है, किसी भी सिग्नल का अगर एवरेज आपको निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए एक सेकेंड मेथड आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट मेथड है ये, ट्रिक समझ लीजिए, चाहे शॉर्ट मेथड है, इस मेथड का अगर आप यूज करेंगे तो ये सब आपको इंटीग्रेशन का झमेला नहीं करना पड़ेगा, आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, ट्रिक मान लीजिए क्या करेंगे, कोई भी एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो एवरेज वैल्यू निकालोगे सिंपली क्या होगा, एरिया निकाल लें हम, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी ओवर टी नॉट टाइम पीरियड, यानी कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया उसका पूरा आपका एरिया निकाल लीजिए, अपॉन टोटल टाइम पीरियड जो आपका टाइम पीरियड दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर क्या करेंगे, एवरेज डायरेक्ट फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है, इसको सही से नोट कर लीजिए सभी लोग। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम एवरेज को कैलकुलेट करते हैं जब हम कोई भी सिग्नल दिया रहता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कोई हमारा सिग्नल दिया गया है, हम मान लेते हैं चलिए कोई सिग्नल दिया गया है, चलिए अब क्वेश्चन या तो हम बाद में कराएंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आपका ये लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसके जो क्वेश्चन होंगे एवरेज वैल्यू के और उसके एरिया के, तो वो हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतनी आप नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।